आज इस वीडियो में हम हाथ बालिश से वस्तुओं की लंबाई मापने का सामान्य तरीका सीखेंगे। बच्चों, आज हम इस बोर्ड को रिबन से सजाएंगे। इस पर बोर्ड को सजाने के लिए मुझे कितना रिबन चाहिए होगा, उसके लिए मुझे इस बोर्ड की लंबाई नापनी होगी। क्या मुझे कोई बता सकता है इसकी लंबाई को कैसे नाप सकते हैं? कोई बात नहीं, हम इसकी लंबाई अपने हाथों से नाप सकते हैं। हाथों से? वो कैसे? देखो, 1, 2, 3, 4 और 5, इस बोर्ड की लंबाई है 5 बालिश्त। बालिश्त क्या होता है? हाथ से लिए जाने वाले नाप को बालिश्त कहते हैं। याफी, अब तुम कोशिश करो और बताओ तुम्हारे टेबल की लंबाई कितनी है? 1, 2। नहीं याफी, ऐसे नहीं। याफी, माप लेते वक्त तुम्हें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि किसी भी वस्तु को नापते समय तुम्हारे हाथों के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। किसी भी वस्तु का माप लेते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमारे हाथों के बीच कोई अंतर नहीं हो, और हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि हम किसी भी जगह को 2 बार ना नाप ले। हाँ, समझ गई। मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टेबल की लंबाई है 6 बालिश्त। बिल्कुल सही। स्क्रीन पर दी गई बालिश्त से मापी गई वस्तुओं को देखिए और उनका माप लिखे। बच्चों, इस वीडियो में हमने हाथ बालिश्त से वस्तुओं की लंबाई नापने का सामान्य तरीका सीखा।